हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी के बारे में। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने इंट्रिंसिक इक्वेशन हम लोगों ने डिराइव करी थी पिछली वीडियो में हम लोगों ने, तो वो क्या थी, एस बराबर सी टैन साई थी। ठीक है ना, ये थी वो। अब देखिए, अब हमें क्या करना है कि अब हमें इस इक्वेशन को कार्टेशियन इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक ना, देखिए यहाँ क्या था, इन इंट्रिंसिक इक्वेशन व्हाट वी हैव, we have only two coordinates, only two coordinates means two coordinate means क्या कि जो हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव करा था उसमें कौन कौन से उसमें टर्म्स उसमें वेरिएबल थे और कौन कौन से चीज़ों पे मतलब कि एलिमेंट्स पे वो इक्वेशन डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में क्या है, ये एक s है और ये एक साई है, ये तो एक सी एक कॉन्स्टेंट है यहाँ पे ना, यहाँ पे एस एंड साई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन इंट्रिंसिक इक्वेशन वी हैव ओनली टू कोऑर्डिनेट, व्हाट इज दैट, एस एंड साई। नाउ एस क्या है, लेंथ ऑफ आर्क एपी, हम लोग ने डिराइव करा था ना, ये ए था यहाँ पे और ये और यहाँ पे कोई एक पॉइंट पी था, तो हम लोगों ने इस लेंथ को क्या माना था, एस माना था हम लोगों ने। ठीक है, देन साई क्या है, एंगल ऑफ टेंजेंट, हम लोगों ने ये साई एंगल हम लोगों ने कहाँ माना था, किसी आर्बिट्री पॉइंट से जो टेंजेंट खींचा जाएगा मतलब कि पी पॉइंट से उसका एंगल हॉरिजॉन्टल से साई आता है। और यहाँ पे क्या होगा कि वेयर पी विल बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन वॉट, ऑन कैटनरी। ठीक है, ये हुआ यहाँ पे ना। अब देखिए, हमें क्या चाहिए कि हमें कि कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन फॉर्म में मतलब क्या होता है कि इसमें हम लोग एक्स एंड वाई के बीच में कुछ हम लोग रिलेशन हम लोग फाइंड करते हैं एक्स एंड वाई के बीच में। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे क्या है, एस बराबर सी टैन साई है, तो हमें इसी इक्वेशन में और हर एक टर्म को हमें चेंज करना पड़ेगा, किस फॉर्म में, एक्स एंड वाई के टर्म्स में हमको चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कैटनरी यहाँ पे एक है और यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे एक पॉइंट है ए। ठीक है, हम यहाँ पे इतना छोटा यहाँ पे हम पोर्शन ले रहे हैं कि ये जो यहाँ पे जो यहाँ पे हम इतना छोटा पोर्शन ले रहे हैं मतलब कि आर्क हम इतना छोटा ले रहे हैं कि वो एक स्ट्रेट लाइन के बराबर आ जा रहा है। ठीक है, तो वो एक स्ट्रेट लाइन के बराबर आ जा रहा है, तो इसमें फिर उसका हम एंगल लेंगे, फिर उसका हम एंगल किसके साथ लेंगे, हम साई के साथ उसका हम एंगल लेंगे, साई के साथ। ठीक है, देन फिर हम क्या निकालेंगे कि यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे डी एस ये हो जाएगी आर्क जो यहाँ जो थी यहाँ पे था ये यहाँ पे और ये एंगल ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर ये यहाँ पे डी एस है तो इसके हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जितना ये रहेगा वो क्या हो जाएगा, डी एस हो जाएगा ना, कितनी एक्स डिस्टेंस पे उसकी वो इस लाइन की प्रोजेक्शन आ रही है वो उसका डी एक्स हो जाएगा और कितना ऊपर लेंथ है वो क्या हो जाएगा, उसका डी वाई हो जाएगा। तो यहाँ से हम इतने फिगर से हम क्या हम कंक्लूड कर रहे हैं कि डी एस बाय पाइथागोरस थ्योरम डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसमें हम ये करते हैं कि यहाँ से हम कॉमन लेते हैं डी एक्स को, यहाँ से हमने कॉमन लिया है डी एक्स को, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया है और यहाँ पे क्या बच जाएगा, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। देखिए ये कुछ फॉर्म में चेंज हुआ है, अब हम यहाँ पे डी एस बाई डी एक्स की वैल्यू अब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो मेरे पास वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर
डी एस बाई डी एक्स अपने हम क्या करेंगे कि मेरे पास जो यहाँ पे इक्वेशन थी, क्या थी मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन, एस बराबर सी टेन साई, ये थी मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन थी यहाँ पे, है ना मेरे पास। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा अपने पास, डी एस बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए ऐसे ही हम नहीं करेंगे इसको, देखिए अब देखिए हमें क्या करना है कि हमें वैल्यू रखनी है हमें टेन की, तो हम क्या करें, देखिए हमें वैल्यू हमें रखनी है यहाँ पे टेन की, क्यों, क्योंकि हमें एस हमें एक्स के रिस्पेक्ट में हमें चाहिए एस। तो हम जानते हैं कि टेन क्या होता है, टेन स्लोप होता है, मतलब टेन क्या होता है, टेन साई क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, ये हो जाएगा यहाँ पे, या फिर टेन यहाँ क्या हो जाएगा, टेन इससे यहाँ पे टेन क्या हो जाएगा, टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, तो ये डी वाई बाई डी एक्स यहाँ हो जाएगा। तो इसलिए अभी यहाँ पुट करते हैं एस बराबर सी डी वाई बाय डी एक्स, ये यहाँ मेरे पास हो जाएगा ना। अब हम इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, एस के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ क्या हो जाएगा डी एस बाय डी एक्स इज इक्वल टू सी डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये अब ये मेरे पास थोड़ा सा आसान हो गया है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे इसको डी एस बाई डी एक्स को अब हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा अपने पास, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो अपने पास यहाँ क्या जाएगा सी डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट वन प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक ना। फॉर सिंप्लिसिटी, क्या फॉर सिंप्लिसिटी हम क्या लेट करते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि हम क्या लेट करते हैं, पी लेट करते हैं, इसको फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन बनाने के लिए हम यहाँ पे इसको डी वाई बाई डी एक्स लेट कर लेते हैं, लेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ पे सी डॉट, यहाँ मेरे पास यहाँ पे क्या था डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट वन प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर था यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास सी डॉट डी बाय डी एक्स ऑफ पी हो जाएगा यहाँ पे, है ना, इज इक्वल टू अंडर रूट वन प्लस पी स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है सिंस पी इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स। अब इसको हम देखिए ये क्या यहाँ पे डी पी बाय डी एक्स इंटू सी इज इक्वल टू अंडर रूट वन प्लस पी स्क्वायर, अब देखिए ये क्या है, ये यहाँ पे है इट इज अ डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज वेरिएबल सेपरेबल, है ना। हम पी को एक साइड, हम पी को हम एक साइड हम लिख सकते हैं और एक्स को हम एक साइड लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या जाएगा अपने पास डी पी अपॉन अंडर रूट वन प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू सी इंटू डी एक्स, ये बचेगा यहाँ पे अपने पास। अब देखिए इसको अब हमको क्या करना है कि इसको अब हमें इंटीग्रेट करना है, अब हमें इसे हमें इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस पी स्क्वायर यहाँ पे क्या होता है साइन इनवर्स एक्स यहाँ पे होता है, बट ये हम नहीं लेंगे यहाँ पे, क्यों नहीं यहाँ पे क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग के पास मैकेनिक्स में कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे कि हमें साइन हाइपरबोलिक की हमें मतलब कि जहाँ पे हमें साइन हाइपरबोलिक की हमें आवश्यकता पड़ेगी, तो इसलिए हम साइन इनवर्स एस का यूज़ ना करके हम साइन हाइपरबोलिक का हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक इनवर्स इंटू पी इज इक्वल टू सी यहाँ पे है तो सी इंटू एक्स प्लस ए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो कांस्टेंट है यहाँ जो ये क्या है वेयर यहाँ ये वेयर ए इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये है यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है यहाँ पे। देन अब देखिए यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं कि अब हमें ए को हमें यहाँ पे रिमूव करना है, तो मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल क्या क्या है, एक्स मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल है और मेरे पास यहाँ पे पी वेरिएबल है, वेयर पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो रहा है एंड एक्स तो वो है ना, क्या बोलेंगे उसको, एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स यहाँ पे लेंथ हो जाएगी, क्या हो जाएगी यहाँ पे
एक्स बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स बराबर, देखिए कि हम लोगों ने जो स्लोप लिया था वो हम लोगों ने कहाँ लिया था, हम लोगों ने ए का डी एक्स डिस्टेंस पे हम लोगों ने यहाँ पे स्लोप लिया था, मतलब कि बहुत छोटा था वहाँ पे, यहाँ पे हमने लिया था। तो एट ए बराबर नहीं, एट पॉइंट ए, ए पॉइंट, एट ए पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स बराबर ज़ीरो, अगर हम क्या लेते हैं कि एक्स बराबर ज़ीरो, एट एक्स बराबर ज़ीरो मतलब तो यहाँ जो ये जो डिस्टेंस है ये ज़ीरो हो जा रही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स यहाँ क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ज़ीरो यहाँ पे हो जाएगा। तो अभी इस वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे, साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स ज़ीरो इज इक्वल टू ई टू द पावर मतलब सी एक्स जीरो जाएगा प्लस के हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक का एक्सपेंस मतलब कि जो उसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स, साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स ज़ीरो होगा कि नहीं होगा वो हम चेक करते हैं पहले। तो क्या होता है साइन, साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स क्या है यहाँ पे, ये है ना अपने पास, तो यहाँ क्या हो जाएगा ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन टू, यहाँ पे एक्स यहाँ पे पी है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा पी जगह पे यहाँ पे क्या क्या पुट करना है, एट पी इजल टू ज़ीरो हमें पुट करना है, दिस इम्प्लाइड साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स ज़ीरो इज इक्वल टू ई टू द पावर ज़ीरो माइनस ई टू द पावर ज़ीरो अपॉन टू, यहाँ क्या हो जाएगा है ना, वो किसी की पावर ज़ीरो होती तो क्या, तो वो क्या हो जाता है वो वन हो जाता है माइनस वन अपॉन टू इट इज इक्वल टू ज़ीरो, हमें कन्फर्म हो गया कि साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स ज़ीरो होता है, ठीक है ना। तो क्या हमको यहाँ पे ए इक्वल टू ज़ीरो आ गया, देन साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स पी इज इक्वल टू सी एक्स आ गया, ये आ गया अपने पास इक्वेशन किस में, पी एंड एक्स में, ये आ गया मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन पी एंड एक्स में। अब बट अभी हमें और सॉल्व करना है, ठीक है यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पी है यहाँ पे, पी को यहाँ पे हमने क्या माना था, साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू सी इंटू एक्स, देन यहाँ पे हम क्या करेंगे कि साइन हाइपरबोलिक एक्स, एक मिनट यहाँ कुछ मैं गलती कर रहा हूँ क्या, यहाँ मैं एक साथ कुछ गलती कर किया हूँ, देखिए यहाँ पे जो डी एक्स यहाँ ऐसे यहाँ पे ये जाएगा तो सी यहाँ नीचे आ जाएगा यहाँ पे सी सी भाई, इसलिए मैं यहाँ पे क्या गलती कर रहा हूँ, वन अपॉन सी यहाँ क्या हो जाएगा, वन अपॉन सी यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा वन अपॉन सी इंटू एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास साइन, देखिए अब यहाँ पे साइन को यहाँ पे इस साइड से अब हम इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स बाय सी, ये मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे वाई एंड एक्स बीच में मिल जाएगा एक रिलेशन, ठीक है ना। अब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं, कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या था मेरे पास यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स बाय सी था मेरे पास यहाँ पे, ठीक है अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहाँ क्या आ जाएगा यहाँ पे, अरे पहले तो इसे हम वेरिएबल से प्रयोग करेंगे ना, तो डी वाई इज इक्वल टू नॉट साइन हाइपरबोलिक एक्स बाय सी ऑफ डी एक्स का इंटीग्रेशन, यहाँ क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू साइन का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, आपको हम समझाते हैं कि कैसे होता है साइन का, साइन इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है, यही मैं यहाँ से आता हूँ मैं, देखिए साइन साइन हाइपरबोलिक यहाँ पे क्या है, साइन यहाँ पे हाइपरबोलिक क्या है x बाय सी है, तो इसकी क्या जाएगी अपने पास इक्वेशन क्या जाएगी, इसके अपने पास e टू द पावर x बाय सी माइनस e टू द पावर माइनस x बाय सी बाय टू इज इक्वल टू e टू द पावर x बाय सी अपॉन टू माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई सी अपॉन टू, ये अपने पास यहाँ पे हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम करते हैं इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ क्या बचेगा एक्स बाई सी है ना, देखिए ई टू द पावर एक्स बाई सी यहाँ तक ऐसे बच जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ क्या बचेगा एक्स क्या बचेगा यहाँ पे, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट यहाँ पे आ जाएगा टू इंटू वन बाय सी माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स बाय सी यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा टू इंटू माइनस वन बाय सी,
इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, यहाँ पे ये माइनस यहाँ पे प्लस में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, e टू द पावर x बाय सी अपॉन टू, और सी को यहाँ पे हम ऊपर रख ले रहे हैं, प्लस सी ई टू द पावर माइनस एक्स बाय सी अपॉन टू, मैं तो कन्फ्यूज हो गया था, यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे सी ई टू द पावर एक्स बाय सी प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स बाय सी अपॉन टू। और हम लोग आप इसको ध्यान से देखिए, तो आप ये पाएंगे कि ये जो फॉर्मूला यहाँ पे आया है, ये फॉर्मूला है कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाय सी का, ये फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस यहाँ पे है, और साइन में यहाँ पे नेगेटिव होता है और यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे ये फॉर्मूला आ गया है। अब देखिए इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, तो अपने पास यहाँ पे क्या आता है, वाई अपने पास यहाँ पे क्या आएगा, वाई इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाय सी। ये होने के बाद क्योंकि यहाँ पे लिमिट्स यहाँ पे नहीं है, ऊपर यहाँ पे लिमिट्स नहीं है, तो फिर यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक ठो कॉन्स्टेंट, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे एक ठो वेयर बी इज आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, यहाँ पे आ जाएगा। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमें क्या चाहिए कि ये जो यहाँ पे बी है, इसको हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, बी इज कॉल्ड यहाँ पे जीरो आ जाए, वो कैसे यहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे कैसे आएगा, यहाँ पे हम लेट करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लेट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू ज़ीरो एट y इज इक्वल टू सी, हम इसको लेट करते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि y एक्सिस a पॉइंट से c डिस्टेंस नीचे होगा, क्या आप कुछ समझ रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे होता है, आप मैं थोड़ी देर बाद मैं आपको समझा दूंगा कि किसको क्या बोलते हैं, बट आज की वीडियो में नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सी मानते हैं, इसको हम एट एक्स बराबर जो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्स बराबर यहाँ पे जीरो यहाँ पे होता है, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट है वो एक्स क्या है, यहाँ पे एक्स यहाँ पे क्या है, जीरो है, तो वाई बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, तो वाई बराबर सी इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाय सी प्लस बी, यहाँ पे सी इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक जीरो बाय सी प्लस बी। अब देखिए यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक यहाँ पे क्या होगा, कॉस हाइपरबोलिक यहाँ पे जीरो क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे इसका यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, कॉस हाइपरबोलिक यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, यहाँ क्या था फॉर्मूला, ई टू द पावर एक्स बाय सी प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स बाय सी बाय टू। अब हम क्या पुट करते हैं कि जीरो, अब हम यहाँ पे पुट करते हैं, क्या जाएगा अपने पास, यहाँ पे e टू द पावर जीरो प्लस e टू द पावर जीरो बाय टू, आप लोगों को दिख रहा होगा वन प्लस वन बाय टू इज इक्वल टू टू बाय टू इज इक्वल टू वन, ठीक है। नाउ c इज इक्वल टू c प्लस बी, सी यहाँ से यहाँ जाएगा, जीरो इज इक्वल टू b, तो अपने पास यहाँ पे क्या हो गया, b यहाँ पे अपने पास जीरो आ गया, तो फाइनल इक्वेशन अपने पास यहाँ पे क्या बनती है, y इज इक्वल टू c कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाय सी, ये बन गया अपने पास, इक्वेशन बन गई है, क्या बोलेंगे इस इक्वेशन को, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कैटनरी, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कैटनरी। तो ये मिल गई अपने को, इक्वेशन मिल गई अपने को, जो कि क्या है, एक कार्टेशियन इक्वेशन है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ और नए रिलेशन के बारे में, वो कुछ इस तरह से होगा कि एस एंड एक्स के बीच में रिलेशन मानेंगे, फिर साई एंड एक्स के बीच में हम लोग निकालेंगे रिलेशन, देन वाई एंड सी के बीच में हम लोग निकालेंगे, और भी बहुत चीज़ हम लोग करेंगे, पहले हम लोग बस दो वीडियो और आएंगे जिनमें कि हम सिर्फ फॉर्मूलेज ही हम प्रूव करेंगे, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे हम लोग आ जाएंगे, तो फॉलो करिए हमें मतलब वीडियो को, अगर आप अभी तक देख लिए हैं तो लाइक करिए, अगर आपको अच्छा लगा हो, मैं कोशिश करूँगा कि बार बार मैं अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और अच्छा करने की कोशिश करूँगा, तब तक के लिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ आप लोग शेयर करिए, धन्यवाद, आप लोग का दिन शुभ हो।